कन्वर्सेशनल एबिलिटीज डियर स्टूडेंट्स मुझे इस मॉड्यूल में प्री स्कूलर में कन्वर्सेशनल uh, एबिलिटीज़ के बारे में बात करनी है कन्वर्सेशनल एबिलिटीज इन प्री स्कूलर्स रेफर टू देयर एबिलिटी टू पार्टिसपेट इन अ कन्वर्सेशन विद अदर्स तो दूसरों के साथ गुफ्तगु में हिस्सा लेने की जो उनकी एबिलिटी है uh, उसे हम कन्वर्सेशनल एबिलिटी कहेंगे वन uh,

Uh, ये जहन में रखें जो कन्वर्सेशन uh, केबिलिटी है ये तकरीबन आफ्टर थ्री इयर्स बच्चों में डेवलप होती है बल्कि स्टार्ट होना होती है तो थ्री इयर्स ओल्ड चाइल्ड बिकम्स मोर अवेयर ऑफ सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ डिस्कोर्स जो समाजी रवैये हैं या समाजी डिस्कोर्स हैं उनके बारे में बच्चे अवेयर होना शुरू हो जाते हैं ही शी एक्नोलॉज द पार्टनर्स टू टर्न वाइल फिलर्स सच एज यान ओह हु यानी इस तरह के जो फिलर्स बोलता है वो उसको की सुनते हुए या बात करते हुए तो प्री स्कूलर चिल्ड्रन लर्निंग लैंग्वेज फॉलो मेटरनल लिंग्विस्टिक क्यूज तो माँ की तरफ से जो उसको लिंग्विस्टिक क्यूज मिलते हैं वो उनको यूज करता है और टू टेक टर्न सच एज क्वेश्चन देन पैरालिंग्विस्टिक आर फोनेटिक क्यूज़ अब डिफरेंट जो उसके वो टेक्टिस यूज करता है वो कन्वर्सेशन डेवलपमेंट के हवाले से उनको हम वन बाय वन इस तरह बयान करेंगे टर्न टेकिंग अपनी बारी लेना तो प्री स्कूलर्स लर्न टू टेक टर्न्स इन कन्वर्सेशन वो अपनी बारी लेना सीखते हैं वेटिंग फॉर अदर्स टू फिनिश स्पीकिंग बिफोर द रिस्पॉन्ड यानी वो आ, सबसे पहले दूसरे की गुफ्तु सुनते हैं और वो उसको रिस्पोंड करने से पहले उस इंतज़ार करते हैं कि वो अपनी बात को ख़त्म करे आल्सो लर्न टू यूज़ नॉन वर्बल क्यूज सच एज आई कांटेक्ट जेस्टर्स एंड सिग्नल दैट आर दे आर रेडी टू स्पीक तो वो बोलने के लिए वो रेडी होते हैं फिर लिसनिंग स्किल्स देखें लिसनिंग स्किल्स जो है ना दीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन कन्वर्सेशनल स्किल्स सो प्री स्कूलर्स डिवेल्प देयर लिसनर स्किल लर्निंग टू पे अटेंशन एंड रिस्पोंड अप्रोप्रिएटली तो दूसरों को लिसन करना और उनको अप्रोप्रिएटली रिस्पोंड करना वो ये भी सीखते दे आस्क क्वेश्चन टू क्लैरिफाई इंफॉर्मेशन शो इंटरेस्ट इन द वट अदर्स आर सेंग तो तो के लिए वो क्वेश्चन करते हैं या अपनी इंटरेस्ट शो करने के लिए क्वेश्चन करते हैं टॉपिक मेंटेनेंस ये भी एक अहम स्ट्रेटी है और ये अहम रिक्वायरमेंट है कन्वर्सेशन की कन्वर्सेशन में चूंकि डायलॉग की शक्ल होती है ये मोनोलॉग नहीं होता डायलॉग होती है लिहाजा इसमें ये होता है कि इंटरेक्शन तो होता है लेकिन जो स्पीकर होता है वो उसकी कोशिश होती है कि अपने टॉपिक को मेंटेन रखे तो वो ये भी सीखते हैं टू मेंटेन द टॉपिक ऑफ़ कन्वर्सेशन स्टेंग ऑन ट्रैक एंड अवॉइडिंग कर्व्स, यानी वो उस इधर उधर uh, गुफ्तु से हटने से अवॉइड करते हैं दे इंट्रोड्यूस न्यू टॉपिक्स अगर ऐसा हो जाए तो वो कोई न्यू टॉपिक इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या क्वेश्चन कर सकते हैं टू कीप कन्वर्सेशन ऑन ट्रैक अंडरस्टैंडिंग ह्यूमर एंड रिडिकल कन्वर्सेशन के दौरान uh, जो कन्वर्सेशनल एबिलिटीज में ये भी है कि बच्चे जो चाइल्ड हैं वो प्री स्कूलर्स हैं दे बिगेन टू अंडरस्टैंड ह्यूमर एंड रिडिकल यानी वो तंज और मजाक दोनों को समझते हैं उसके फर्क को भी समझते हैं मे यूज दीज डिवाइस इन देयर ओन कन्वर्सेशन अपनी कन्वर्सेशन में भी वो इनको यूज कर सकते हैं रजिस्टर्स प्री स्कूलर्स डिवेल्प एंड अंडरस्टैंड ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज रजिस्टर्स तो डिफरेंट लैंग्वेज के रजिस्टर्स आर स्टाइल्स सूटेबल फॉर डिफरेंट सोशल सिचुएशंस तो वो ये भी सीखते हैं कि कौन सा स्टाइल किस सिचुएशन में इस्तेमाल करना है और किस तरह बात करनी है दे यूज डिफरेंट लैंग्वेज विद फ्रेंड्स दैन द दे वुड Uh, with adults are their parents so uh, perspective taking isse murad ye dusron ka nukta nazar janna understand others may have different thoughts feelings and perspective than their own तो यानी वो इस बात को भी जो conversation ability है उसमें ये भी जानना ज़रूरी है कि दूसरे का नुक़ा नज़र क्या है और दूसरा क्या feel कर रहा है सो दिस हेल्प दैम टू डिवेल्प एम्पथी एम्पथी से मुराद है कि किसी दूसरे की फीलिंग्स को अपने ऊपर तारी करना या किसी दूसरे की जगह पर अपने आप को रख कर देखना एंड टू पार्टिसिपेट इन कन्वर्सेशन इन अ सोशली अप्रोप्रिएट वे तो ये भी बहुत ज़रूरी है जब आप दूसरों के परस्पेक्टिव को अंडरस्टैंड करेंगे उसकी रिस्पेक्ट करेंगे तो फिर आप एक बेहतर अंदाज से आप कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट कर सकेंगे और ये कन्वर्सेशन एबिलिटीज़ में ये बहुत इम्पोर्टेंट है तो ये थी स्ट्रेटजीज़ जो मैंने अभी बयान की कन्वर्सेशनल uh, एबिलिटीज को हासिल करने के लिए जो प्री स्कूलर्स में डेवलप uh, होती हैं कन्वर्सेशनल एबिलिटीज स्टेप वन लुक एट द पर्सन से हाई यानी एक चाइल्ड uh, है वो दूसरे को देखता है और उसको वो कहता है हाई और उसके जवाब में वो भी से हाय सेकंड स्टेप पे हाउ आर यू सो लुक एट द पर्सन आस हाउ आर यू देन वेट फॉर द पर्सन टू रिस्पॉन्ड सो आई एम गुड हाउ आर यू जो नेक्स्ट पर्सन है वो इस तरह इसको जवाब देता है और स्टेप थ्री में आई एम गुड टू टॉक टू यूर लेटर सो ओके बाय बाय सो लुक एट द पर्सन रिस्पॉन्ड बैक हाउ यू आर फीलिंग दे से गुड बाय तो इस तरह ये है कि वो कन्वर्सेशन के ये स्टेप हैं एटलीस्ट थ्री स्टेप्स हैं कन्वर्सेशन के दौरान जो यूज़ करने चाहिए या जो करते हैं आम तौर पर